हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का रियलमी 9 आई का डिवाइस है या फिर दोस्तों अगर आप रियलमी 9 आई को परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी रियलमी 9 आई के टॉप 40 प्लस हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। क्योंकि दोस्तों रियलमी 9 आई जो की रियलमी 9 सीरीज का सबसे पहला स्मार्टफोन है, जिसमें आपको कुछ एडवांस लेवल की हिडन सेटिंग्स मिल जाती है, जिसको यूज करने के बाद आप अपने रियलमी 9 को और भी अमेजिंग तरीके से यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाइए एंड आराम से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो रियलमी 9 आई का जो डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिसको इनेबल करने के बाद आपको स्मूथ लेवल का डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले के सेटिंग में। डिस्प्ले के सेटिंग में जाने के बाद जाना है आपको मोर के सेटिंग में, एंड मोर के सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट, 90 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज ऐसे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। बस आपको क्या करना है, 90 हर्ट्ज को इनेबल करना है, एंड 90 हर्ट्ज को इनेबल करने के बाद आपका फोन को डिस्प्ले एक्सपीरियंस देख सकते हैं, काफी स्मूथ लेवल का बन जाता है। इसके बाद दोस्तों इस फोन में आपको डायनेमिक रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है, बट दोस्तों रिसेंट पैनल में देखेंगे आपको जो डायनेमिक रैम है या फिर जो मेन मेमोरी है, मतलब कि मेन रैम है, उसका स्टेटस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको रैम का स्टेटस इनेबल करना है तो रिसेंट पैनल में जाना है, किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करना है, टू डॉट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जाना है मैनेज में, एंड मैनेज में आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले रैम मेमोरी स्टेटस को इनेबल करना है। तो इसको इनेबल करने के बाद आपको जो रैम का स्टेटस है, मतलब कि मेन रैम है, उसके बाद देखेंगे डायनेमिक रैम है, उसके हिसाब से देखेंगे कितना मेमोरी यहाँ पर सेव हो चुका है, मतलब कि बच गया है, सब कुछ यहाँ पर स्टेटस आप चेकआउट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे। तो इस फोन में आपको मिनी विंडो या फिर जो फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो रिसेंट पैनल में किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो एंड मिनी विंडो ऐसे दो शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। सो अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो किसी भी टैब को देखेंगे आराम से फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इसके बाद अगर आपको किसी भी टैब को मिनी विंडो में कन्वर्ट करना है तो उसको मिनी विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको मल्टीपल मिनी विंडो या फिर मल्टीपल फ्लोटिंग विंडो में भी कन्वर्ट करना है तो भी फीचर आपको इसमें सपोर्टेबल है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, इस फोन में आपको मोशन वॉलपेपर्स एंड कस्टम वॉलपेपर का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि होम स्क्रीन की सेटिंग में जाएंगे तो आपको वॉलपेपर के सेटिंग में इसकी सेटिंग मिल जाती है, या फिर अगर हम जाएंगे सेटिंग में एंड पर्सनलाइजेशन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर कैटेगरी में जाएंगे तो आपको स्टैटिक वॉलपेपर की कैटेगरी में काफी सारे अमेजिंग वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको एनिमेटेड वॉलपेपर चाहिए तो लाइव कैटेगरी में जाएंगे तो लाइव वॉलपेपर्स में काफी सारे आपको एनिमेटेड वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। एवं दोस्तों अगर आपको मोशन ग्राफिक्स इनेबल करना है तो आप देखेंगे लास्ट में आपको मोशन वॉलपेपर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसको इनेबल करने के बाद जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे वैसे आपको स्मोक इफेक्ट, मतलब कि मोशन इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सो काफी सारे अमेजिंग फीचर्स आपको यहाँ पे वॉलपेपर की कैटेगरी में मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले अमेजिंग फीचर्स के बारे में, जो कि आइकॉन्स पुल डाउन गेस्चर, जिसको इनेबल करने के बाद आप अपने फोन को वन हैंडेड इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो एक ही हैथ से देखेंगे उसको ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, बॉटम के साइड से आपको यहाँ पर पुल डाउन करना है इस तरह से, एंड इस तरह से पुल डाउन करने के बाद आपकी जो उंगली किसी भी एप्लीकेशन की तरफ जाती है, एंड किसी भी एप्लीकेशन को देखेंगे आप इजिली उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अपने फोन को वन हैंडेड इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस फीचर को इनेबल कैसे करना है, इसलिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की सेटिंग में, उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन पे आइकॉन्स पुल डाउन गेस्चर का फीचर मिल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, इस फीचर को इनेबल करना है ताकि आप अपने फोन को वन हैंडेड इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे, अगर आपको अपने फोन को 100 इस्तेमाल करना है एंड अगर आपको बार बार नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे बीच में से स्वाइप करेंगे तो आप यहाँ पे सर्च बार ओपन हो जाता है। बट दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना है तो आपको जाना है होम स्क्रीन की सेटिंग में, एंड होम स्क्रीन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन की सेटिंग मिल जाती है। जस्ट उसको क्लिक करना है एंड आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर को सिलेक्ट करना है। सो नोटिफिकेशन ड्रॉअर को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे बीच में से स्वाइप करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है यहाँ से ओपन हो जाता है। तो ये भी काफी अमेजिंग फीचर है अपने फोन को 100 इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों कॉलिंग डायलर पैड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। जस्ट आपका नंबर डायल करना, एंड डायल करने के बाद आपको यहाँ से नेटिव वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। फिलहाल के लिए मैंने अपने फोन में कोई भी सिम कार्ड इंसर्ट नहीं किया है, बट दोस्तों आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कॉल को रिकॉर्ड करना है तो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। बट दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग होने से पहले आपको एक अनाउंसमेंट
जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों रियलमी 9 आई डिवाइस में आपको यहाँ पे गूगल के डायलर पैड मिल जाता है। सो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं मिला है तो प्ले स्टोर में जाने के बाद गूगल का जो डायलर पैड है उसको एक बार जरूर अपडेट कीजिए। इसके बाद दोस्तों इस रियलमी 9 आई डिवाइस में आपको वाईफाई थेटरिंग का भी फीचर मिल जाता है, मतलब कि आप अपने फोन के जो वाईफाई है हॉटस्पॉट के जरिए आगे किसी भी डिवाइस को शेयर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वाईफाई ऑन है एंड वाईफाई के साथ ही साथ देखेंगे मेरा जो हॉटस्पॉट है वो भी इनेबल हो जाता है। सो वाईफाई इनेबल करने के बाद आप अपने फोन से हॉटस्पॉट इनेबल करने के बाद किसी भी अदर डिवाइस का अपना जो वाईफाई का इंटरनेट है वो आराम से शेयर कर सकते हैं। ये भी फीचर अपने फोन में मौजूद है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले फीचर के बारे में। तो इस रियलमी 9 आई डिवाइस में आपको प्योरली सिस्टम वाइड डार्क मोड का भी फीचर मिल जाता है। सो नोटिफिकेशन पैनल में देखेंगे आपको डार्क मोड का शॉर्टकट मिल जाता है, इसको इनेबल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप जाएंगे सेटिंग में एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड का डेडिकेटेड फंक्शन मिल जाता है। एंड दोस्तों जो डार्क मोड इसको और भी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई शेड्यूल लगाना है, ऑटो स्विच करना है तो शेड्यूल भी लगा सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे तीन टाइप के डार्क मोड की सेटिंग मिल जाते हैं, जैसे कि एनहांस लेवल का डार्क मोड, दूसरा देख सकते हैं मीडियम लेवल का डार्क मोड एंड तीसरा देखेंगे आपको हल्का सा ग्रे टाइप का जेंटल टाइप का डार्क मोड मिल जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड है, उसके बाद देखेंगे एडजस्ट आइकन टू डार्क मोड एंड उसके नीचे देखेंगे कॉन्ट्रास्ट लेवल के साथ साथ अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए डार्क मोड सेट करना है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए कस्टमली डार्क मोड को सेट कर सकते हैं। सो काफी अमेजिंग आपको डार्क मोड एंड डार्क मोड की सेटिंग्स आपको इसी रियलमी 9 आई डिवाइस में पहले से आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। तो इस रियलमी 9 आई डिवाइस में आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का टॉगल मिल जाता है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहाँ पे देखेंगे चालू होने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखेंगे काफी सारे एडवांस लेवल के सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि साउंड चेंज करना है तो साउंड भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों वीडियो रेजोल्यूशन चेंज करना है तो वीडियो का रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, मीडियम क्वालिटी है, लो क्वालिटी, उसके बाद देखेंगे आपको कस्टम भी क्वालिटी मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर आपको फ्रेम रेट चेंज करना है तो फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों 60 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों फ्रेम रेट के साथ साथ अगर आपको वीडियो का जो कोडेक है वो भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। एंड वीडियो का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ अगर आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा ऑन रखना है तो फ्रंट सेल्फी कैमरा भी ऑन रख सकते हैं। सो काफी सारे अमेजिंग फीचर्स आपको इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन एंड डबल टैप टू यहाँ पर वेकअप स्क्रीन का भी फीचर मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल फीचर रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद जाना है होम स्क्रीन की सेटिंग में एंड होम स्क्रीन की सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे डबल टैप टू वेक स्क्रीन एंड डबल टैप टू लॉक स्क्रीन ऐसे दो फीचर मिल जाता है, जस्ट आपको क्या करना है इनेबल करना है। एंड इनेबल करने के बाद आपके फोन में यहाँ पर जो डबल टैप का फीचर है इजीली इनेबल्ड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आप अपने फोन में काफी अमेजिंग फीचर को इनेबल कर सकते हैं, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर एंड नोटिफिकेशन लाइट्स, जो कि किसी भी नोटिफिकेशन आने पर ब्लिंक होता है। सो इस टाइप का फीचर भी देखेंगे आप अपने रियलमी 9 आई डिवाइस में काफी इजीली इनेबल कर सकते हैं। एंड दोस्तों अपने फोन में जो फीचर है काफी प्रॉपरली वर्क करता है, जैसे कि देखेंगे मेरा जो फ्लावर्स है फ्लावर का भी सेटिंग देख सकते हैं, डेट टाइमिंग का भी फीचर देख सकते हैं, बैटरी स्टेटस है, नोटिफिकेशंस भी देखेंगे। काफी सारे अमेजिंग फीचर्स आप अपने फोन में इस टाइप के AOD में इनेबल कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपके फोन में बस एक ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना जरूरी है, जिसका नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो की अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। एंड दोस्तों में देखेंगे काफी सारे वॉच फेसेस अवेलेबल है, सो आपको यहाँ पर डिजिटल या फिर जो एनालॉग जो भी वॉच फेसेस पसंद आता है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर कोई बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है तो काफी सारे अमेजिंग एनिमेटेड यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड अवेलेबल है, उसके बाद देखेंगे फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल के बाद देखेंगे आपको जो डेट का फॉर्मेट है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद दोस्तों अगर आपको सेटिंग में जाने के बाद किसी भी टाइप का सेटिंग चेंज करना है, जैसे कि एनिमेशन है, उसके बाद देखेंगे टाइमिंग है, उसके बाद ब्राइटनेस लेवल है, फॉन्ट, उसके बाद टेक्स्ट है, उसके भी कलर चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको जो एज लाइटिंग है एज लाइटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसका एनिमेशन है, टाइमिंग है, उसके बाद देखेंगे एज लाइटिंग इफेक्ट कैसा चाहिए, सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर आपको अपने फोन में ऐसा फीचर इनेबल करना है तो प्ले स्टोर में जाने के बाद जस्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जरूरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं और भी कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में। इस फोन में आपको डुअल ऑडियो सपोर्ट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स रियलमी लैब में जाएंगे एंड रियलमी लैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे डुअल ऑडियो चैनल का सपोर्ट मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैंने अपने फोन में एक ब्लूटूथ एयरफोन को कनेक्ट किया है एंड ब्लूटूथ एयरफोन को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक वायर एयरफोन को मतलब एयरपीस को कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड कनेक्ट करने के बाद आप
आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे डुअल मोड मतलब कि डुअल ऑडियो मोड का फीचर मिल चुका है। तो इसको ओपन करने के बाद आप अपने फोन में देखेंगे जो भी म्यूजिक यहाँ पे प्लेबैक हो रहा है उसका जो ऑडियो है एक ही साथ देखेंगे, दो दो एयरफोन्स में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक आपके पास जो वायर एयरफोन है एंड दूसरा देखेंगे जो ब्लूटूथ का एयरफोन है उसके अंदर उसका गाना प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके रियलमी 9 आइडियाज में डुअल ऑडियो मोड का फीचर अपने फोन में पहले से मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद अगर हम जाएंगे यहाँ पे वाईफाई में, सो वाईफाई में आने के बाद अगर आप जाएंगे यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में, तो एडिशनल सेटिंग में आपको वाईफाई असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है। तो वाईफाई असिस्टेंट को इनेबल करने के बाद आपके फोन में जो भी बेटर वाईफाई स्ट्रेंथ का सिग्नल है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा एंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा। तो ये काफी अमेजिंग फीचर से आपके होम में या फिर आपके एरिया में जो भी बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ का वाईफाई है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन का भी फीचर मिल जाता है जो कि आपके फोन के जो मोबाइल डेटा है प्लस वाईफाई है इसको कंबाइन करके आपको बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मतलब कि इंटरनेट का स्पीड प्रोवाइड करता है। बट कुछ ही एप्लीकेशंस के लिए देखेंगे सपोर्टेबल है। सो जितने सारे एप्लीकेशन सपोर्टेबल है तो उसका भी फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं बेटर इंटरनेट स्पीड के लिए। इसके बाद दोस्तों इस फोन में आपको पर्सनलाइजेशन की कैटेगरी भी मिल जाती है जो कि कस्टमाइजेशन की कैटेगरी है। सो पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है थीम स्टोर का। सो आपको बार बार यहाँ पे थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं है, जितने सारे थीम्स आपने डाउनलोड किए थे यहाँ से देखेंगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको और भी ज्यादा कुछ वॉलपेपर्स है फॉन्ट्स है थीम्स है एंड दोस्तों लाइव वॉलपेपर्स अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई करना है तो क्विकली यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं मतलब कि यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वॉलपेपर की कैटेगरी है एंड वॉलपेपर के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने फोन में आइकॉन्स का साइज शेप या फिर जो स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखेंगे मटेरियल पेबल्स है, उसके बाद देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर साइज है तो यहाँ से आइकॉन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको ऐप का जो ट्रे है मतलब कि ऐप का जो लेआउट है वो अगर चेंज करना है तो वो भी आप आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको सेटिंग्स के जो आइकॉन्स है जो भी फंक्शंस है उनका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले का जो साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं एंड जो नोटिफिकेशन ड्रावर है उनका अगर एप्लीकेशन का जो साइज है मतलब कि आइकॉन्स का जो साइज है शेप है वो भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इस मेथड से देखेंगे पर्सनलाइजेशन के कैटेगरी में काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, सो आप अपने हिसाब से यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद फीचर है। सो डिस्प्ले की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको यहाँ से OSIE विजुअल इफेक्ट का फीचर मिल जाता है जिसको इनेबल करने के बाद आपके फोन में जितने सारे वीडियो प्लेबैक्स अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका जो कलर है और भी थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। बट दोस्तों जो फीचर है कुछ ही सिलेक्टेड एप्लीकेशन के लिए वर्क करता है, सो अगर आप आपको वीडियो का जो एक्सपीरियंस है और भी इंप्रूव करना है तो इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले ही फीचर्स के बारे में जो कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में मिल जाता है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद आपको यहाँ से रियल साउंड टेक्नोलॉजी में जाने के बाद चार ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि स्मार्ट है, उसके बाद देखेंगे मूवीज है, उसके बाद देखेंगे गेमिंग है एंड म्यूजिक्स है। सो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए पर स्पेशल गाने को यहाँ पर प्ले करना है मतलब कि म्यूजिक्स को प्ले करना है तो यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी अमेजिंग फीचर्स आपको डेडिकेटेड म्यूजिक लवर के लिए प्रोवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों बात करेंगे कुछ अगले फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो कन्वीनियंस टूल में जाएंगे एंड नेविगेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्वाइप गेस्चर को इनेबल करना है एंड स्वाइप गेस्चर को इनेबल करने के बाद आप अपने फोन में गेस्चर बार को इनेबल कर सकते हैं एंड आप अपने फोन में फुल स्क्रीन डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कन्वीनियंस टूल में जाएंगे तो आपको यहाँ से देखेंगे मोशन गेस्चर का भी फीचर मिल जाता है। तो स्क्रीन ऑफ गेस्चर को इनेबल करने के बाद नीचे के साइड में देखेंगे यहाँ पे अगर आप ओ को ड्रॉ करेंगे तो कैमरा को ओपन कर सकते हैं एवं दोस्तों अगर आप वी को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे फ्लैशलाइट को ऑन कर सकते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा गेस्चर ऐड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा गेस्चर भी ऑन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जो कि आपको ऐप मैनेजमेंट में मिल जाता है। तो दोस्तों ऐप मैनेजमेंट में आपको ऐप क्लोनर का फीचर मिल जाता है मतलब कि डुअल एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। फिलहाल के लिए देखेंगे कुछ ही लिमिटेड एप्लीकेशंस यहाँ पे सपोर्टेबल है तो इन सारे एप्लीकेशंस का आप यहाँ से आसानी से ऐप क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस फोन में आपको ऐप लॉक का भी फीचर मिल जाता है। सो नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद जस्ट आपको ऐप लॉक का जो टॉगल इसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड सेट कीजिए एंड पासवर्ड को सेट करने के बाद आपको जितने सारे एप्लीकेशंस के लिए ऐप लॉक सेट करना है तो आप अपने हिसाब से अपने एप्लीकेशंस के लिए लॉक
इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों Realme 9 iDuet में इतने सारे आपको मेन हाईलाइटेड हिडन सेटिंग्स हिडन फीचर्स मिल जाते हैं, तो सारे सारे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद दोस्तों Realme 9 i का जो कैमरा है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग कैमरा है, बट दोस्तों कैमरे के जो फीचर्स है, कैमरे के जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सारे सर इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसका कैमरा का टिप्स एंड ट्रिक्स, कैमरा का फीचर्स का वीडियो अलग से अपने चैनल पे बना के रखा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको Realme 9 i के कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स, कैमरा फीचर्स का वीडियो देखना है तो ऊपर आई कार्ड पे चेकआउट करके देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी चेकआउट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।